ये था हम लोगों का रात का इमरजेंसी ठिकाना, क्योंकि रात बहुत हो गई थी और हम लोग पहुंच नहीं पाए थे। और एज यू कैन सी कि ये हॉल है, हॉल में ऐसे पार्टीशन डाला हुआ है जस्ट इन केस फॉर इमरजेंसी। तो हम लोग यहाँ से हुए थे एंड देयर इज दिस वन फैमिली ओवर देयर इन द मेन हॉल। तो एडजस्ट वाला सीन हो जाता है कि जब आप फंसे हो तो बस एडजस्ट करने वाली बात आ जाती है, तो वही एडजस्टमेंट हम लोगों ने की। फाइनल रिजल्ट फाइनल सीट के लिए कि आगे कौन बैठेगा कौन नहीं। और हरिया को पीछे दाल ले आया, सिलेंडर वहीं छोड़ दिया बंदे ने। चालू हो गया, ये तो कच्ची खा लेंगे अगर भूख लगी तो। ये सारी चीजें बहुत काम आती है। सरसों का तेल भी रखा हुआ है, सर की मालिश कराओ इसकी। चले मोहित, गाड़ी तो हद गंदी हो रखी है अंदर से। अच्छा बॉयज ने सीट पकड़ ली है, सारे एकदम बढ़िया ठंड हो रखी है भाई यहाँ तो हद। As you can see, वहाँ पे मौसम तो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है, बट एनी हाउ ये इस तरीके का हाईवे है तो ऐसा सच कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। वो मैनेजेबल है, इतना कोई रिस्क वाली बात भी नहीं है। अगर होता तो हम जाते ही नहीं। वी कुड हैव लाइक वेटेड फॉर वन डे ओवर हियर ओनली। बाकी मौसम के हिसाब से जाते, ये थोड़ा लेट निकल जाते, मैनेज कर लेते, बट द थिंग इज मैनेजेबल जो भी सिचुएशन है। सो वी आर गोइंग अहेड। फिर से ये वाला इशू आ रहा है, ये 25 PSI और 27 वाला 31 वाला। 31 तो बेरेबल है, लेकिन जो 25 वाले हैं वो बेरेबल नहीं है। निकालते हैं पंप वगैरह और डालता हूँ फटाफट से। पंप होना पीछे, पैक्ड है, जैम पैक्ड लड़के। हवा भरना भी कोई आसान काम नहीं है, हाथ ही नहीं चल रहे। ले आओ भैया 10 रुपए दे दो पर टायर। 10 रुपए नाइट्रोजन लगेगी, 40 रुपए। अच्छा जी, खाली करके भरी जाएगी पूरी। पॉइंट है यहाँ पे, ये है इस चीज का पॉइंट, जब तक है जान मूवी यहाँ का शूटिंग पॉइंट बोल सकते हो, यहाँ पे शूटिंग हुई होगी। और दूसरी गाड़ी भी आएगी। As you can see, ये जो रोड में देखो कितना सही रोड है और बीच में ये बम्प आता है हल्का सा इस तरीके का ये। सो ये जान पूछ के दिए गए हैं BRO की तरफ से, ताकि लोग ठीक ठाक स्पीड में ना चलाए, मतलब गेड़े में ना चलाए। कॉन्टिन्यूस बम्प्स है हर थोड़ी थोड़ी देर बाद, तो इसका तो मतलब एक यही बनता है, क्योंकि प्रॉपर मेटल रोड है एज यू कैन सी इन द फ्रंट। तो एक ही रीजन है कि वो जो छोटी सी दिख रही है यहाँ पे, ये दिस इज द फर्स्ट व्यू ऑफ पैंगोंग लेक। नाइस बॉयज, ऑल एक्साइटेड? यस, मुझे तो लग रहा है मिलिट्री के लिए होंगी ये, मिलिट्री वो है बोट्स। हां, कमर्शियलाइज नहीं है ये, मिलिट्री बोट्स है।
हम लोग एज यू कैन सी पहुंच चुके हैं पैंगोंग लेक। यहाँ पे थोड़ा खाली था तो ये कौन है, अपना ही जमूरा ओ भाई। और ये जो लेक है ये पूरी ना ठंड के टाइम पे फुल ऑन जम जाती है। और ये दिख नहीं रहा कैमरे में, वो मतलब जस्टिस ही नहीं कर रहा, सुपरलेटिव्स की कमी हो रही है। हम लोग वहाँ से जा रहे हैं अभी उस वाले पॉइंट पे क्योंकि वो थोड़ा सा खाली है तो अच्छे से शूट वगैरह हो जाएगा सब लोग। बंदे कम क्यों हैं? अच्छा अभी वहाँ पीछे चल रही है फोटोग्राफी और यहाँ तो कंपटीशन ही लग गया। ये चार बहुत ही प्यारी फोटो आई है सारे। और अभी कुछ लोग तो वहाँ पे गए हुए, टोपी भी चेंज हो गई और बढ़िया फोटोज आ रही हैं, बहुत अच्छी बहुत अच्छी मस्त। और थोड़ी देर में यहाँ से निकलते हैं बस। एंड दिस इज समथिंग विच आई कॉल मैजिक। ओ भाई शूटर बने हुए सारे शूटर। हम लोगों को वहाँ पे जाना था, मुझे स्कूटर्स वगैरह रखे हुए हैं लेकिन क्या जाना वहाँ पे, ऑलरेडी फोटोज वोटोज खिंचवा लिए हैं यहाँ पे, ऐसे ही रश ये सारा कुछ है, बाकी निकलते हैं अभी। ये लोगों ने पॉइंट खुद ही बना लिया सारा कुछ फोटो खींचने के लिए। और 150 रुपये तीन बंदों का सही है। सो राइट नाउ इट्स 12:05 और हम लोग हानले के लिए निकल रहे हैं, दैट इज 235 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। और इस वीडियो के लिए तो इतना ही रखते हैं गाइज, आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा पैंगोंग वाला वीडियो भी। एंड रेस्ट कीप लविंग द ब्लॉग और लाइक करते रहो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब सो दैट एल्गोरिदम में आए अपना भी चैनल। दैट इज इट फॉर दिस ब्लॉग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड मिलते हैं ऐसे ही अगले किसी ब्लॉग में गाइज। पीस आउट।